शिक्षित होना हर बच्चे का हक है, लेकिन सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद ये हक उन्हें मिल नहीं पाता। कहने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन कितने बच्चे शिक्षित हो रहे हैं ये कोई नहीं जानता। जाहिर है कि सरकारी मशीनरी सबको शिक्षा दिलाने की मुहिम में बुरी तरह फेल हो चुकी है। ऐसे में समाज की पहल पर ही सबको शिक्षा देने का सपना सच हो सकता है। लखनऊ के गोमती नगर में एक शख्स ऐसा है जो खुले आसमान के नीचे क्लासरूम सजाता है और बच्चों को पढ़ाता है। इस क्लासरूम में वो बच्चे आते हैं जो दिन में गुब्बारे और पतंग बेचते हैं और शाम को पढ़ाई करते हैं। आशु यादव, क्लास 7। क्या बनना चाहते हो आप? पायलट। पायलट बनना चाहते हैं आप? भैया। भैया पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ाते हैं? अच्छा, आप क्या करते हो? पैसे कमाने के लिए आपको जाना पड़ता है? क्या करते हैं आप पैसे कमाने के लिए? बबल बेचते हैं। पापा क्या करते हैं? मिस्त्री का काम। पापा नहीं दे पाते हैं क्या पढ़ाई का पैसा? सरकारी। क्या है? सरकारी। सरकारी पैसा दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं पढ़ाई का? हाँ। अच्छा, तो फिर बबल क्यों बेचते हैं आप? टाइम मिलता है बेच ले। टाइम मिलता है इसलिए बेच लेते हैं। गोमती नगर रिवर फ्रंट में सिद्धार्थ आसपास के गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। रोज शाम को 4 बजे कॉपी किताबों के साथ पार्क में पहुंचते हैं और पार्क में मौजूद गरीब बच्चों को शिक्षित करते हैं। सिद्धार्थ पिछले 4 सालों से ऐसे ही खुले आसमान के नीचे क्लासरूम सजाते आ रहे हैं। इसे इनकी मेहनत और लगन ही कहेंगे कि आज इस पार्क में 28 बच्चों की पाठशाला चलती है, जिसमें 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे शिक्षित होते हैं। गौर करने वाली बात है कि ये काम सिद्धार्थ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं और बच्चों से किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। सिद्धार्थ इन गरीब बच्चों की मदद में अपनी जेब से पैसे खर्च कर किताबें जुटाते हैं और इन्हें शिक्षित करने का काम करते हैं। सर, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं ये 4 साल से कर रहा हूँ और दिन में कम से कम 4-5 घंटे पढ़ाता हूँ। 4-5 घंटे यहाँ पे आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो सरकारी विद्यालयों में एनरोल्ड बच्चे बलून बबल बेचते हैं? जी, क्या करते हैं? बच्चे बलून बबल बेचते हैं। बबूल बेचने वाले बच्चों को आप पढ़ाते हैं? कितने बच्चे हैं आपकी कोचिंग में जिनको आप शिक्षित करते हैं? एक्चुअली सर, दूसरे एरिया में 18 हैं, यहाँ पे मैं 26, तो 28 हो गए। 28। इन 28 बच्चों में आपने कब शुरुआत की थी और शुरुआत में कितने बच्चे थे आपके पास? शुरुआत मैंने एक बच्चे से शुरुआत की थी और ये 4 साल पुरानी बात है। 4 साल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 4 साल से। आज कितनी संख्या है? 28। क्या खुशी मिलती है जब आप इनको पढ़ाते हैं? आपके मन में क्या किस तरीके की भावनाएं आती हैं? सर, ये सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ और इन बच्चों की बेसिक नीड जो एजुकेशन है उसको पूरा करने के लिए, सोशल वर्क है। जब इनके माँ बाप आपके पास आते हैं और कहते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? किस तरीके के इनके माता पिता को किस तरीके से एक नई रोशनी दिखती होगी आपके द्वारा? एक्चुअली क्या है कि सर, आजकल जो कोचिंग्स होती हैं वहाँ पे पैसे लेते हैं और टाइम लिमिट होती है पढ़ाने की, वहाँ बच्चे पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि वो पैसे के लिए पढ़ाते हैं। यहाँ पे नॉलेज तो दी जाती है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत कुछ होता है, यहाँ पे पढ़ाने के साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है सब कुछ, तो यहाँ पे कम से कम एक स्कूल टाइप पढ़ाई होती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जैसे बाकी नौजवानों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि भाई, सोसाइटी भी अपनी है और अगर आपके आस पास कोई ऐसा नीडी है जो उसको भाई पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको उस पर भी ध्यान दें, अपने 24 घंटे में से 1-2 घंटा उसे भी दें, तो हो सकता है कि सोसाइटी बदल जाए। सोच ही एक ऐसी चीज़ है जो परिवर्तन का आधार बनती है। ऐसे में अगर हमारे नौजवान ये सोचें कि उनका भी दायित्व तो है समाज के प्रति और समय निकाल के उनको शिक्षित किया जाए, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती, तो समाज को नई दिशा मिलेगी। लखनऊ से प्रशांत। जाहिर है इनका मकसद बच्चों में पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रुचि पैदा करना है। मुफ्त में बच्चों को ट्यूशन देकर देश में फैला अंधियारा खत्म हो सकता है और आने वाले वक्त में यही बच्चे देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। ईटीवी के लिए लखनऊ से प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट।